मार का हक को बातिल का जिक्र करें, आपको बताएं कि यौम आशूर के मातमी जुलूसों के बाद अब शाम खरीबा की मजालिस बरपा हैं। शाम खरीबा यानी करबला में आशूर की शाम, सन 61 हिजरी में दश्त नैनवा में वो शाम उतरी के रहती दुनिया तक शाम खरीबा का अनवान बन गई। मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट देखिए। दश्ते नैनावा में फातिमा के लाल का अपने 72 रफाक के साथ सरबुरीदा लाशा पड़ा है। लश्कर यजीद अपने घोड़ों की नाल बंदी कर रहा है कि शहदाए करबला के लाशों को पामाल किया जाना है। लाशें पामाल हुए, शहीदों के सर नेजों पर बुलंद किए गए। यजीदी सिपाही सालार उमर साद ने खानवादे रिसालत के खेमे लूटने और जलाने का हुक्म दिया। यजीदी लश्कर ने हमला करके असबाब लूट लिया, खेमों को आग लगा दी। आशूर का शर्मिंदा सूरज ये मंजर देखने की ताब ना ला सका और गुरूब हो गया और करबला में शाम गरीबा तुलू हो गई। आशूर तक जिस लश्कर के सालार इमाम हुसैन थे, अब इस लश्कर की कयादत अली की बड़ी बेटी जैनब सलामुल्लाह अलैहा के पास है। जले हुए खैमों कभी उम्मे रुबाब को दिलासा देती है तो कभी उम्मे फरवा को, कभी उम्मे लैला को संभालती है तो कभी बेवाए मुस्लिम को। ज़ैनब ने कहा बाप के पहरे पे है कि अचानक घोड़े की टापों की चाप सुनाई दी। अली की अली बेटी ने टूटा हुआ नेजा उठाया और ललकार कर सवार से कहा कि वो जहां है वहीं रुक जाए, लेकिन सवार बढ़ता रहा। अली की बेटी ने कहा कि हमारा सारा असबाब लुट चुका है, अगर कुछ सामान बचा है तो सुबह आकर ले जाना। इस वक्त बच्चे रो और थक कर सो चुके हैं, लेकिन सवार ना रुका। अली की बेटी को जलाल आ गया, सवार के घोड़े की लगाम को थाम कर कहा, तुझे सुनाई नहीं देता? अली की बेटी क्या कह रही है? सवार ने कहा कि ज़ैनब पहचाना नहीं, मैं तेरा बाबा अली हूँ। कुलसूम ने तमाम बच्चों को जमा किया, लेकिन इमाम हुसैन की चहीती बेटी सकीना नजर न आई। हजरत जैनब ने जनाब उम्मे कुलसूम से कहा कि वो सकीना को एक तरफ ढूंढें और वो दूसरी तरफ ढूंढती हैं। हजरत जैनब मैदान करबला में लाशों के दरमियान हजरत सकीना को ढूंढ रही थी कि एक लाश बुरीदा से आवाज आई, जैनब आहिस्ता, सकीना अभी सोई है। जनाब जैनब ने हजरत सकीना को उठाया और उनसे पूछा कि उन्होंने कैसे पहचाना कि ये उनके बाबा हुसैन का लाशा है। जनाब सकीना ने कहा कि मेरे दामन में आग लगी हुई थी पर मैं बाबा बाबा की सदा लगाती हुई फिर रही थी कि इस लाशे की कटी हुई गर्दन से आवाज आई, मेरी बच्ची सकीना आजा, मेरे पास आजा।